और अब माँ भारती की जाबाज बेटियां राष्ट्र ध्वज रक्षा टोली के रूप में टोली की कमान लेकर आ रही हैं असिस्टेंट कमांडेंट अमनदीप कौर। राष्ट्र ध्वज के आगमन पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता अब है सीमा सुरक्षा बल का यह दस्ता। 193 बटालियन तथा 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का यह है सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल, जिसके कमांडेंट है रविंदर सिंह चौहान। और अब आंध्र प्रदेश सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देकर राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस, अन्नम सुभाष DYSP है इस दस्ते के कमांडर। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जनसेवार्थ के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75 मोटरसाइकिल पर सवार यह 150 महिला कार्मिकों का है दल। एकता समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक, मेघालय शिलोंग और त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी से 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज आपके समक्ष एकता नगर में उपस्थित हैं। 15 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरे इस एक्सपेडिशन की महिला कार्मिक, रास्ते में महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एनसीसी कैडेट्स और लड़कियों से मिली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश लेकर चली। इन महिलाओं ने सशक्तिकरण की ज्वलंत मिसाल भी पेश की। CRPF की नारी शक्ति की इस मुहिम का समापन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष निश्चय ही गौरव का क्षण, देश के नारी शक्ति में नई ऊर्जा का संचार करता यह अप्रतिम क्षण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को विश्व की पहली सशस्त्र अर्धसैनिक महिला बटालियन गठन करने का भी गर्व प्राप्त है। समय के आयामों के साथ महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति इन वीरांगनाओं ने देश के हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। कर्तव्य की बलि देवी पर 3 महिला योद्धाओं ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है, बल्कि महिलाओं ने लाइबेरिया और श्रीलंका में विश्व शांति प्रयासों में भी अपनी सेवाएं अर्पित की। ये है CRPF की और हमारे भारत देश की यशस्विनी। और अब नारी शक्ति का प्रतीक मोटरसाइकिल पर सवार होंगी हमारे वीरांगनाएं। अभिनंदन करेंगी सहायक कमांडेंट सीमाना। नारी शक्ति को नमन। 2 वीरांगनाओं द्वारा ये है एक विशेष प्रदर्शन, ये कर रही है नारी शक्ति को नमन। और अब एकता का प्रतिबिंब हमारी वीरांगनाएं आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता की प्रेरणा मूर्ति पूज्य सरदार के चरणों के समीप एकता का प्रतिबिंब लेकर हमारी वीरांगनाएं लक्ष्य प्राप्ति की ओर अधिक है। CRPF की ये यशस्विनी लक्ष्यता हमारा कर्तव्य और हमारी कटिबद्धता, देश के हैं हम रक्षक। CRPF का देश को प्रतिबद्धता जो है सर्वत्र सुरक्षा।
एक क्षेत्र में आसमान को छूने वाली ये नारी शक्ति जो कह रही है क्षितिज की भोर हमारी है, यह आकाश हमारा है और उड़ान की सीमा भी हम ही तय करेंगे। छू लो आसमान एयर कॉन्स्टेबल संगीता के द्वारा। और अब है मातृभूमि के प्रति इनकी प्रतिबद्धता एवं संकल्प दर्शाते हुए देश के हम है रक्षक CRPF की ये नारी शक्ति हमारे देश की ये यशस्विनिया। मां भारती के जय की।